जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हमारे फ्री राशन कार्ड को लेकर के अभी अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों बता दें कि अक्टूबर के महीने में त्योहारी सीजन को लेकर के हमारी केंद्र सरकार की तरफ से सबसे बड़ी खबर सामने राशन कार्ड धारकों के लिए आ रही है। दोस्तों बता दें कि अब से आपकी राशन की दुकान से ये चीजें हमेशा के लिए बंद हो रही है और अब से इन लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। तो आइए इस खबर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। अगर आप भी राशन की दुकान से राशन लेते हैं तो फिर इस वीडियो को बिना भगाए एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो में आगे पढ़े उससे पहले दोस्तों, अगर आप ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी ऐसे ही कोई भी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए करेगी। दोस्तों बता दें कि अब से हमारे राशन की दुकान से अब से आपको गेहूं चावल नहीं दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे ये राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों बता दें कि इस दीपावली के मौके पर आपको 5 किलो चीनी, इसके अलावा 2 किलो दूध और साथ ही साथ 3 किलो रिफाइंड का तेल, और इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि आपको कैंडल और इसके अलावा दिया सलाई भी आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान से दिया जाएगा। दोस्तों बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको चावल गेहूं के बदले हमारे केंद्र सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस दीपावली और दशहरे के त्योहार को देखते हुए सबसे बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। और दोस्तों बता दें कि उन सभी लाभार्थियों को अब से राशन नहीं दिया जाएगा जिनके घर में 3 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम होती है या कोई नौकरी या व्यवसाय है, तो अब से उन लोगों को राशन की दुकान से राशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है सभी राशन कार्ड धारकों के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी हर एक राशन लेने वाले ग्राहकों के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। और नीचे कमेंट में आप ये भी जरूर बताइएगा कि अभी आपको राशन की दुकान से क्या क्या चीजें मिलती है, अपने राशन की दुकान पर जो जो चीजें आपको मिलती है इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।